मैंने धर्मांतरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कहा कि धर्मांतरण राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण राष्ट्र के लिए ही नहीं खतरा है बल्कि जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है, उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। यह छोटी मोटी टिप्पणी नहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट की, बहुत गंभीर टिप्पणी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार से कि आप इसमें क्यों नहीं हस्तक्षेप करते हैं, आपने धर्मांतरण को राज्यों के भरोसे क्यों छोड़ रखा है। मेरा यह कहना था कि धर्मांतरण एक राष्ट्रीय समस्या है, पूरे देश में हो रहा है, कानून अलग अलग है, कहीं कमजोर कानून है कहीं कठोर कानून है, लेकिन किसी भी कानून में प्रॉपर्टी जब्त करने का अधिकार नहीं है, जबकि यह पूरा का पूरा धर्मांतरण विदेशी फंडिंग से चल रहा है, खाड़ी देशों से हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए पैसा आ रहा है। तो अल्टीमेटली जो पूरा धर्मांतरण का नेक्सस चल रहा है, चाहे वो जिहादियों के द्वारा चल रहा है या चाहे मिशनरियों के द्वारा चल रहा है, चाहे मुस्लिम बनाया जा रहा है हिंदुओं को या ईसाई बनाया जा रहा है, ये फ्री में नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा विदेशी फंडिंग के सहारे चल रहा है, कालाधन के सहारे चल रहा है, हवाला के जरिए चल रहा है, एफसीआरए के जरिए चल रहा है। और एफसीआरए ये भी सेंट्रल एक्ट है, हवाला का कानून ये भी सेंट्रल एक्ट है, और धर्मांतरण चूंकि राष्ट्रीय समस्या है इसलिए इसके खिलाफ एक कठोर कानून सेंट्रल लेवल पे बनना चाहिए। इसलिए कल जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल को बुलाया और उनको कहा कि ये मामला बहुत गंभीर है, आप इसमें इंटरफेयर करिए, केंद्र सरकार को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, फिर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ठीक, हम एक सप्ताह के अंदर अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, अपना जवाब दाखिल करेंगे, और अब दोबारा फिर से दो सप्ताह के बाद दोबारा सुनवाई होगी, 28 नवंबर को फिर सुनवाई होगी। पहली बात तो यह कि हमारा जो भारत का संविधान है यह राइट टू रिलीजन देता है, राइट टू कन्वर्जन नहीं, ये धर्मांतरण का अधिकार देता है, धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देता, यह रीतियों का अधिकार देता है, कुरीतियों को नहीं, यह प्रथा का अधिकार देता है, कुप्रथा का नहीं, यह धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। तो धर्मांतरण अपने आप में एक अपराध है, लेकिन दिक्कत क्या रही है, पूरे देश में काला जादू अंधविश्वास के सहारे धर्मांतरण फैलाया जा रहा है। नपुंसकता खत्म करने का बात की जाती है कि भाई ठीक है, बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं, तुम धर्मांतरण कर लो, हम बच्चे पैदा हो जाएंगे। बाझपन खत्म करने के नाम पे धर्मांतरण किया जा रहा है, कैंसर ठीक करने के नाम पे धर्मांतरण किया जा रहा है, ऐसी ऐसी गंभीर बीमारियां जिनको न वैद्य ठीक कर पा रहे हैं न डॉक्टर ठीक कर पा रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रेयर कर लो जी ठीक हो जाएगा। जगह जगह चंगाई सभा लग रही है, जगह जगह जो है और पता नहीं कौन कौन सी मीटिंग चलती रहती है, कब और सामूहिक रूप से धर्मांतरण हो रहा है। स्कूल में एडमिशन कराने का लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, मिशनरी स्कूलों में जिनका जिन बच्चों का एडमिशन हो जाता है उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच देकर धर्मांतरण किया जा रहा है, काला जादू दिखा के धर्मांतरण किया जा रहा है, अंधविश्वास के सहारे धर्मांतरण किया जा रहा है, लेकिन कानून नहीं है। इंडियन पिनल कोड में चैप्टर 15 है ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, लेकिन उसमें भी धर्मांतरण बाकी चीजें अपराध है, धर्म के बारे में बोलना, दूसरों का धार्मिक भावनाओं का आहत करना, यह तो अपराध है, लेकिन धर्मांतरण कराना अपराध नहीं है। यानी आप दूसरे के धर्म के बारे में कुछ कह दीजिए तो वो तो अपराध हो गया, लेकिन दूसरे का धर्मांतरण करा दीजिए यह अपराध नहीं है, अजीब सी बात है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक कानून बनाए धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, नहीं तो इंडियन पिनल कोड को अमेंड करे, चैप्टर 15 जो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है उसको अमेंड करे और उसमें धर्मांतरण के लिए दोनों सेक्शन जोड़ दे। और एक बात मैं फिर यह भी कहता हूं, केवल धर्मांतरण नियंत्रण कानून से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, क्योंकि खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए आ रहा है धर्मांतरण के लिए, हवाला के जरिए आ रहा है, तो जब तक हवाला की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा, तब तक जिहादी धर्मांतरण कराते रहेंगे। इसी तरीके से मिशनरियों की फंडिंग वेस्ट कंट्रीज से होती है, पश्चिम देशों से होती है, वो एफसीआरए के जरिए होती है, तो जब तक एफसीआरए कानून खत्म नहीं होगा, एक नया चंदा नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, विदेशी जो फंडिंग आ रही है, जो विदेशी चंदा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए नया कानून नहीं बनेगा, तब तक मिशनरियों का धर्मांतरण नहीं रुकेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनना चाहिए, कठोर कानून बनना चाहिए,
इसमें कम से कम 100% प्रॉपर्टी जब्त करने और 10 से 20 साल की सजा देने का प्रावधान होना चाहिए। लेकिन केवल धर्मांतरण नियंत्रण कानून से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, बल्कि आपको चार कानून और बनाने पड़ेंगे। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा, जैसा हवाला के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का, जो अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को 400 साल, 500 साल, 600 साल सजा होती है। हम अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं? क्यों हमने अपना घटिया कानून जारी रखा हुआ जिसमें मात्र 7 साल की सजा होती है? हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर दीजिए, हजारों करोड़ का हवाला कारोबार कर लीजिए, सजा होती है 7 साल की। हम उस कानून को क्यों नहीं बदल रहे? हम क्यों नहीं अमेरिका का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ले आते हैं जो उनका हवाला विरोधी कानून है उसको लागू करते हैं? हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनेगा तो खाड़ी देशों की फंडिंग रुकेगी। जब खाड़ी देशों की फंडिंग रुकेगी, जब जिहादियों को पैसा नहीं मिलेगा, तब जाके धर्मांतरण कंट्रोल होगा। इसी तरीके से जो वर्तमान FCRA है, जो 2010 में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, वो तो मिशनरियों को फंडिंग करने के लिए बनाया था, वो तो उनकी फंडिंग को लीगलाइज करने के लिए ही बनाया गया। इसलिए जब तक FCRA खत्म नहीं होगा तब तक मिशनरियों की फंडिंग नहीं रुकेगी, जब तक मिशनरियों की फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। तो इसलिए FCRA कानून खत्म करके एक नया विदेशी चंदा कंट्रोल करने के लिए, जो विदेशी फॉरेन फंडिंग आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए। इसी तरीके जो भारत में ब्लैक मनी जनरेट होती है, अब्दुल करीम तेलगी ने हजारों करोड़ लूटा, मोइन कुरैशी ने हजारों करोड़ लूटा, हसन अली ने हजारों करोड़ लूटा, कहां गया पैसा? वो सारा का सारा पैसा जिहाद में खर्च हो रहा है, धर्मांतरण के लिए खर्च हो रहा है। तो भारत के अंदर भी ब्लैक मनी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए अगर वास्तव में धर्मांतरण को कंट्रोल करना है, इस देश की संस्कृति को बचाना है, हमारे जो भारत संस्कृति है, सनातन संस्कृति, इसको बचाना है, हिंदुओं का कन्वर्जन रोकना है, आदिवासियों का कन्वर्जन रोकना है, तो एक कानून से बात नहीं बनेगी बल्कि 5 कानून बनाना पड़ेगा। हवाला के खिलाफ कठोर कानून जिससे जिहादियों की फंडिंग रुके, FCRA खत्म करना पड़ेगा, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा जिससे मिशनरियों की फंडिंग रुके, कालाधन के खिलाफ कठोर कानून जो भारत के अंदर ब्लैक मनी जनरेट होती है, हसन अली टाइप के लोग, मोइन कुरैशी जैसे लोग, अब्दुल करीम तेलगी जैसे लोग जो यहां पैसा लूटते हैं उसके खिलाफ कठोर कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून और धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून। ये जब 5 कानून बनेंगे और कठोर कानून बनेंगे, अमेरिका जैसा कानून बनेंगे जिसमें सजा होगी 100 साल, 150 साल, 200 साल, तब जाके वास्तव में धर्मांतरण रुकेगा। तूतू मैमे करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, काला जादू की बात करने से, सोशल मीडिया में गाली देने से, जिहादियों को बुरा भला कहने से या मिशनरियों को बुरा भला कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखिए, ट्विटर ट्रेंडिंग से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, 5 कानून बनाना पड़ेगा। सोशल मीडिया में लिखने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 5 कानून बनाना पड़ेगा। नेताओं के भाषण से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, बतौलेबाजी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, कानून बनाना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। और जब हम फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं तो फ्रांस के अच्छे अच्छे कानून क्यों नहीं ले लेते हैं? अमेरिका से हम मिसाइल खरीदते हैं और गन खरीदते हैं तो अमेरिका के अच्छे कानूनों को हम क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर से हम दुनिया भर चीजें खरीदते हैं, सिंगापुर के अच्छे कानूनों को हम क्यों नहीं ले लेते? सिंगापुर का जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, अमेरिका का जो कालाधन विरोधी कानून है, हवाला विरोधी कानून है, हम उनको भारत में क्यों नहीं लागू करते? कानून की कोई लागत तो नहीं आती? हजारों करोड़ रुपए खर्च करके हम चीजें खरीदते हैं विदेशों से और उनके हम कानूनों को मुफ्त में भी नहीं लेते? अगर हम अमेरिका का जो ब्लैक मनी का कानून है, मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, भारत में लेंगे तो अमेरिका पैसा थोड़ी लेगा। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इसको गंभीरता को समझिए और कठोर कानून की मांग करिए। दल गुलामी छोड़िए, पार्टी के हित से ऊपर उठिए। 25 साल के बाद कोई नेता आपके परिवार को बचाने नहीं आएगा। आज के अच्छे नेता 25 साल बाद आपके परिवार के, आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। लेकिन आज का अच्छा कानून, आज का हवाला के खिलाफ कठोर कानून, कालाधन के खिलाफ कठोर कानून, जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून, धर्मांतरण नियंत्रण के लिए कानून, ये 25 साल बाद आपके बच्चों को बचाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, पार्टी से ऊपर उठिए, जाति धर्म भाषा से ऊपर उठिए और कठोर कानून की मांग करिए। जय हिंद, जय भारत।